और बोले की छत्तीस ओवर प्रगति पर है और गिरिराज का कुल स्कोर 44 रन। काफी खराब बैटिंग करते नजर आते देखने को मिल रहा है गिरिराज के हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर आज हम लोग ग्राउंड पे पहुंच ही गए हैं लगभग सेमीफाइनल के लिए, MKCC वर्सेस मानिकपुर से है। हेलो गाइज, अब हम लोग ग्राउंड पे आ चुके हैं। आज का मैच है MKCC गिदबास वर्सेस मानिकपुर। किचन में टॉस होने वाला है। 1.5 साल बाद आज हम पान खाए हैं क्योंकि आज सेमीफाइनल है। और आज का पिच का दर्शन कीजिए। हम लोग टॉस जीत चुके हैं और बैटिंग करने का निर्णय लिए हैं। 20 ओवर का मैच होगा। तैयार, बार बार बोला जा रहा है कि बैटरी का उपलब्ध कराए। हेलो, सादा करेंगे चल चल और ये थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ करते और ये जोरदार झटका लगता है गिरिराज को। मुकेश के बल्ले से निकलता है और ये तीसरा चौका MKCC की तरफ से सुशांत के द्वारा। फेंकते रहिए और ये मुकेश मलिंगा का बल्ला से निकलता हुआ तीसरा चौका और ये सुशांत का बल्ला से निकलता हुआ दूसरा चौका। फिर भ्रमण चले मुकेश के लिए। वही दर्शकों में काफी रोमांचन कला देखने को मिल रहा है। बोला की फिर भ्रमण तैयार, फिर उठा लेते हैं बोला आकाश पानी बोले वही रखते करते हैं तीसरा झटका। आवाज क्या लगता है नजर जी, और बोले की 36 ओवर प्रगति पर है और गिरिराज का कुल स्कोर 44 रन। काफी खराब बैटिंग करते नजर आते देखने को मिल रहा है गिरिराज के दर्शकों को। अगला बॉल फेंकने के लिए फिर आदर्श तैयार, वही स्ट्राइक पर हार्दिक पंड्या फिर उठा के खेले हैं और ये 4 रन से बाहर। 4 रन गिरिराज का उछलता मैच को 14 रन से ही पावर प्ले की समाप्ति है। और फिर से खेल वहीं से शुरू होता हुआ। न्यू बल्लेबाज आनंद आए हैं। बॉलर की अगली गेंद टप्पा खाई बॉल, हल्के हाथों से धकेला, सम्मान भर दिए बॉल को। अगले बॉल के दीपक तले सामना करेंगे आनंद। आनंद जो कि क्वार्टर फाइनल में धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन इसी मैदान में किए थे और फिर से सेमीफाइनल में स्ट्राइक पर मौजूद। एक सौ 70-80 बनाते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर होगा। फिर से अगली गेंद कमेंट्री बॉक्स की दिशा में खेला हुआ सर्व गगन चुम्बी छक्का। फिर से दीपक की अगली गेंद खड़े खड़े खेला सर्व करारा प्रहार, बोल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। आनंद के लिए करारा प्रहार टप्पा खाई बॉल केवल दिशा दिखाई काफी लंबा छक्का। इसी 6 के साथ रनों का काटाज स्पीड पकड़ता हुआ रन जा पहुंचा 97। 12वां ओवर डालेंगे फिर से काफी नीची रहती हुई बॉल फिर से वही शॉट गगन चुम्बी छक्का गगन को चुनते हुए 103 रन। फिर से स्ट्राइक पे नवीन जितेंद्र की अगली गेंद करारा प्रहार गोल गई बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का नवीन नवीन छक्का। दर्शकों का मनोबल बढ़ाते हुए इक्कु टीम को अगर मैच में पकड़ बनाने हैं तो यह जोड़ी को जल्द से जल्द ही तोड़ना होगा। फिर से बॉल जितेंद्र के हाथों में काफी लंबे लंबे कदमों के साथ अंपायर को पार किया अच्छी बल्लेबाजी सम्मान भर दिए। गुड बैटिंग नवीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, केवल खराब गेंदों पर ही शॉट लगाते हैं बाकी बॉल को समझ कर छोड़ देते हैं।
तीसरा छक्का इस ओवर में नवीन के द्वारा। और ये चौथा छक्का इस ओवर में नवीन के द्वारा। डीजे कृष्ण और ये आनंद के द्वारा एक और ऊंचा कटर शॉट और ये छह रन मिलेगा आनंद को। आनंद के बल्ला से निकलता हुआ। इसी के साथ गुजरात का कुल स्कोर 127 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर प्रगति पर। फिर से आदर्श चले हल्के हल्के कदमों के साथ एम्पायर को पार किया। चतुराई भरी शॉट आसान सा कैच दे बैठे कीपर के हाथों में काफी खराब शॉट। 200 का ऑफर है। फिर से अगली गेंद अच्छी शॉट कोई मौका नहीं दे रहे बॉल लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इसी छक्के की मदद से अब स्कोर क्या पहुंचा 166 पे। फिर से गोलू की अगली गेंद नवीन के लिए अच्छा शॉट कड़ाना पर हार कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं कोई मौका नहीं बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ अपना 50 का काटा पार करते हुए नवीन बॉलिंग का जिम्मा अब आदर्श काफी खराब बॉल लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद छक्का अच्छी वापसी आदर्श के द्वारा। तो दोनों टीमों ने अपने अपने आक्रामक और ये मुनचुन का बल्ला से निकलता हुआ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। फिर से अगली गेंद आगे निकलकर खेला शॉट कोई मौका नहीं 6 रन से बाहर 6 रन सकता अगला बॉल फेंकने के लिए फिर दीपक तैयार वही गेंदबाज के बैट्समैन तैयार लेकिन देखते देखते बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन 200 का काटा पार करता हुआ गेंदबाज टीम 202 पे जा पहुंचा। जैक पर सन्नी और उठा के खेले हैं सन्नी का बल्ला से निकला बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन बॉल खराब नहीं थी शॉट जबरदस्त था। फिर से अगली गेंद अच्छी बॉल एक रन मिलेंगे इसी एक के साथ स्कोर 209। इसी के साथ ओवर की समाप्ति यानी 18 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 209 वही 7 विकेट के नुकसान पर। आकाश की अगली गेंद काफी नीची रहती हुई बॉल उतनी ही चतुराई भरी स्टंपिंग कीपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और ये उठा के मार दिया है अंकित 6 रन के लिए अंकित का बल्ला से पहला छक्का और छक्का से मुनचुन तैयार और उठा के काफी खराब बॉल नो बॉल करार दिया गया। अगला बॉल फेंकने के लिए फिर गोलो तैयार वही बेस्ट है मुनचुन तैयार और बोल देता हूँ नवा झटका लगता हुआ गेंदबाज को रघुनंदन कप्तान रघुनंदन के रूप में आए हैं न्यू बैट्समैन। अरे बॉल ऑल आउट और ये हाँ तो गाइस बता दें कि एमकेसीसी बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 गेंद बचा हुआ था ऑल आउट हो चुका है 222 रन पे 223 रन का टारगेट दिया गया है मानिकपुर को। अब जाते हैं हम लोग फील्डिंग में। अब गाइस यहां से पहली पारी समाप्त हो चुकी है एमकेसीसी का जो कि 223 रन का टारगेट दिया गया है मानिकपुर को। अब हम लोग करेंगे फील्डिंग अब देखते हैं वो लोग क्या करता है आगे। इधर सुनो और खेल दिए हैं उधर खिलाड़ी मौजूद 1 रन लेने में सक्षम हुए नीलकमल अपने छोटे छोटे कदमों को बढ़ाते हुए और उठा के खेले हैं बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन मानिकपुर का उछलता भास्कर 5 रन वही पहली ओवर प्रगति पर। अगला ओवर फिर दिलीप नवीन और काफी खराब बॉलिंग का नजारा खेलने के लिए फिर नवीन तैयार रोधन से 183 मैच में खिला चुके हैं। अगला ओवर भरने के लिए फिर नवीन तैयार फिर उसे बोलों को धकेल दिया रन लेने के लिए चाहा लेकिन खिलाड़ी मना किए कोई रन नहीं कोई खतरा कप्तान तैयार बॉल को कट किए खिलाड़ी मौजूद 1 रन लेने में सक्षम है इन्हीं 1 रनों के साथ मानपुर का उछलता हुआ स्कोर 7 रन 1 ओवर की समाप्ति पर
दूसरे ओवर लेके आए हैं की तक चले और लेकिन बॉल में कोई अंकित तैयार वही बैट्समैन सुमन तैयार फिर उस बॉल को सुरक्षात्मक ढंग से धकेल दिए कोई रन नहीं अगला बॉल फेंकने के लिए फिर अंकित तैयार वही बैट्समैन सुमन तैयार और उठा के खेले हैं बैंडलाइन से बाहर छेले नवीन अगले बॉल के तैयार सामना करेंगे गोलू और ये हवा गोल उठा के खेले बैंडलाइन से बाहर छेले डीजे कृष्णा अपने से बजा मानिकपुर के सामने विशाल से लक्ष्य और कमेंट्री बॉक्स के तरफ चार रन के लिए पांड्या चले और उठा के खेले हैं पेडलिंग से बाहर शेर इनके साथ मानुपुर का खुला स्कोर उछलता हुआ स्कोर 101 रन तीन विकेट के नुकसान पर यही एक रन में बढ़ी बॉल पर गति जी हाँ 8 ओवर में 115 बनाने होंगे मणिपुर को यानी 48 बॉल में 115 रन बहुत बहुत धन्यवाद फिर चले और काफी जीवा जितने के पास वही बॉल मार्च पर पांड्या और ये छक्का धक्का लगता हुआ मणिपुर की टीमों मणिपुर के बैट्समैन नवाब और उठा के खेले बॉडी लाइन से बाहर छोड़ा फिर से नहीं तैयार वही बैट्समैन नवाब तैयार फिर उठा के खेले अभिषेक तैयार उठाकर करना चाहा लेकिन यहाँ खिलाड़ी मौजूद एक रनों से संतुष्ट करना पड़ा इन्हें एक रनों के साथ मणिपुर का कुल स्कोर 167 वहीं 7 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर पर गति पर अगला ओवर खेलने के लिए फिर नवीन तैयार वही बैट्समैन दीपक तैयार और उठा के खेले हैं वहां खिलाड़ी मौजूद और उठा के खेल दिए हैं खिलाड़ी मौजूद और कैच में पकड़े गए इसी के साथ खेल करते हुए ऑल आउट हेलो गाइस यहीं से फिर से हम लोग सेमीफाइनल जीत चुके हैं फाइनल में जगह बना चुके हैं 55 रन से मणिपुर को हरा चुके हैं हम लोग अब फाइनल खेलेंगे 5 नवंबर संडे को सबसे पहले फिर से हम कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे टीम के तरफ से इतना शांतिपूर्वक मैच करवा रहे हैं और आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है कि फाइनल भी थोड़ा अच्छा से शांतिपूर्वक करवा दीजिए ताकि हम लोग जहाँ भी खेलने जाए देवपुरा का नाम लेते रहे सब खिलाड़ी को यही संदेश देना चाहेंगे संयम सबसे बड़ा सीढ़ी है सक्सेस को पाने के लिए संयम रखिए सफलता जरूर मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद जी सबसे पहले तो मैं यहाँ की कमेटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ खेलने का मौका दिया और बाकी रहा बात मैच का तो किसी न किसी को वहाँ पारी संभालना था जो मैंने और आनंद ने अच्छे तरीके से संभाला फिर बाकी नीचे हिटर्स थे हमारे पास आगे तेज रन बनाए फिर हम लोग 222 पहुंचे फिर बाकी डिफेंड किए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए जोरदार ताली और मैन ऑफ दी इसके लिए जोरदार ताली बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जोरदार ताली और कप्तान साहब को एक लिए जोरदार ताली
और यहीं से पुरस्कार का वितरण हो चुका है। आज हमारे टीम से मैन ऑफ द मैच रहे नवीन जी, जो कि जोरदार बैटिंग और बॉलिंग किए हैं, और यहां से हम लोग लॉन्च करेंगे पूरी सब्जी। हमारे टीम पूरी सब्जी यहां का सेवन करते हुए सेमीफाइनल जीतने का फोटो भी शूट हो गया। अब यहां से हम लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे और आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करने का अनुमति चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आप लोग का लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और वीडियो बनाने में उत्साह बढ़े। अब यहाँ से हम लोग घर चलेंगे।